देश में अलग अलग समय पर तमाम घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन फिलहाल उदयपुर की घटना ने लोगों का दिल झकझोर रखा है। हमारे साथ किरण तिवारी जी हैं, जो कमलेश तिवारी की पत्नी है, और आज से तकरीबन 2.5 साल पहले ऐसी एक घटना उत्तर प्रदेश में भी हुई थी, जब कमलेश तिवारी जी की निर्मम हत्या हुई थी। किरण जी, 2.5 साल पहले का वो वाक्या अगर याद करें तो दिल दहल उठता है, लेकिन अभी की चीज़ अगर देखें तो उसी तरीके से, या यूँ कहें कि उससे भी ज़्यादा निर्मम हत्या उदयपुर में हुई है। कैसे देख रही हैं पूरी घटना को आप? उदयपुर में जो इस समय उसकी हत्या हुई है, ये तो पूरे यूपी के लिए, हिंदुत्व के लिए दिल दहलाने वाली चीज़ है। तो उस घटना को देख करके मुझे वही घटना याद आ गई, एकदम मेरे सामने आ गया कि जिस समय मेरे तिवारी जी की हत्या हुई थी। तो ये हत्या करने वाले के लिए, अगर वही जगह तिवारी जी के जो हत्यारे थे उनको इनकाउंटर होता, बेच चौराहे पर उनको गोली मार के उनको इनकाउंटर कर दिया जाता, तो आज उसकी हत्या नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ की बात करें, जब कमलेश जी की हत्या हुई थी उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई थी और तमाम लोग की गिरफ्तारियां हुई थी, उस केस में क्या चल रहा अभी तक? कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग छूट गए, उसको लेकर के क्या चल रहा? करीब 13 लोग गिरफ्तार हुए थे, उसमें से 5 लोग छूट गए हैं और 8 लोग अभी उसके अंदर हैं। एक मुख्य साजिशकर्ता जो तनवीर हाशमी है, वो अभी फरार है, उसको भी पकड़ नहीं आया गया। मेरा केस लखनऊ लोअर कोर्ट में चल रहा था, उसके बाद वो चला जो है सुप्रीम कोर्ट से, अभियुक्तों के कहने पे सुप्रीम कोर्ट से मेरा केस ट्रांसफ़र होके और इलाहाबाद। कहने पर ट्रांसफ़र हुआ? जो मुलजिम थे उनके कहने पे केस मेरा ट्रांसफ़र हुआ। क्या कहाँ ट्रांसफर? कहाँ ट्रांसफर? इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ। तो आप ये जान लो कि कानून क्या, मतलब हमारे देश का ऐसा भी कानून है कि जो लोग मर्डर करके चले गए उनके जान का खतरा है और हमारे लोगों को जान का खतरा नहीं? हमको भी जाने में दिक्कत, मेरे पास एक गनर है, हम रोज पेशी पे हमेशा जाते हैं, मुझे भी खतरा है। तो मुझे योगी सरकार से कहना है कि मेरे बेटे को नौकरी और हमारा तो वादा हुआ था, वादा हुआ था जो समय, उसके बाद मैंने हाई कोर्ट से उसका जो है बहाल करवाया, हाई कोर्ट से आदेश हो गया है कि 2 महीने में नौकरी दी जाए इनके बेटे को, वो भी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं हुआ। तो और मुझे एक मकान दिया गया था, आपको बताएं, एक मकान दिया गया था जो दुबग्गा में है, गरीबी रेखा के नीचे आता है, उसके अगल बगल सब मुसलमान बसे हैं, वहाँ मुझे रहने की जगह दी गई। ये भाजपा सरकार मुझे भी मरवाना चाहती है, हम वहाँ आज तक देखने नहीं गए। तो इस तरीके का मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इसी तरीके से अन्य लोगों के साथ भी अन्याय होता रहता है। तो ऐसा कैसा कानून है इस देश का? अरे ऐसा कानून होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, तो ऐसा कानून होना चाहिए जनता को सौंप देना चाहिए। अगर जनता को नहीं सौंप रहे तो बीच सड़क पे उसके गोली मार देना चाहिए। देखिए हत्याकांड रुकता है कि नहीं रुकता है? कभी नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे देश का कानून ऐसा है। 15 साल हम लोग मांगते रहते न्याय दो न्याय दो न्याय दो, हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है और वो अपने हाथ है न्याय लेकर के चले जाते हैं। तो आपके केस में, तो आप 2.5 साल की जो पैरवी थी उसमें अभी तक चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो पाई, न्याय नहीं मिल रहा? फास्ट ट्रैक कोर्ट में मेरा केस चलना था, जो उस समय बृजेश पाठक कानून मंत्री थे, उनके पास हमारा वकील गया, बात किया, उन्होंने फास्ट ट्रैक में नहीं चलवाया। उसके बाद 6 महीने के बाद मेरा केस यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के इलाहाबाद चला गया। अब इलाहाबाद जाने में मुझे कितनी परेशानी होती है, मेरे पास आने जाने की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास कुछ खर्चे नहीं हैं और वहाँ पे भी हमारे जान का खतरा है। तो ये बताइए, मेरे साथ जाने वालों को खतरा और मुझे भी खतरा, तो कब हमको आतंकवादी वहाँ मार दें? कोई भरोसा नहीं। इसका ठेकेदारी, इसकी जिम्मेदारी भाजपा सरकार लेगी क्या? वो तो मरी लहास पे राजनीति करने वाली है। और जो उदयपुर की घटना में हुआ उसके बाद भी पुलिस तुरंत एक्टिव होकर के लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तो क्या लगता है गिरफ्तारी के बाद जो चीज़ें हो रही हैं सब ठीक है? क्योंकि वो भी एक, मतलब चाहे आपके केस की बात की जाए तो उस समय भी हिंदूवादी केसेस को लेकर, हिंदूवादी चीज़ों को लेकर के उनकी हत्या हुई, यहाँ पर भी नुपुर शर्मा के समर्थन में हत्या हुई, पर उसके बाद जो पुलिस की प्रक्रिया, पुलिस जो चीज़ें करी, क्या लगता है अभी ठीक है? उस समय पुलिस एक्टिव हुई होती, जिस समय कन्हैया लाल ने एप्लीकेशन दिया था उस समय पुलिस एक्टिव हुई होती, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देती तो आज कन्हैया लाल नहीं मरता, उसको नहीं मारा जाता। लेकिन पुलिस इतना लापरवाह है कि वो इस मामले में सुनती ही नहीं है। जब हत्या हो जाती है तब उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और फिर 15 साल आदमी छाती पीट पीट के न्याय मांगता है, बस यही है। आप
अपने केस में, क्योंकि आप कह रहे हैं अपने केस में संतुष्ट नहीं है, तो क्या आप मुख्यमंत्री से लेकर के कोई और मांग करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी जो मांगे थी, जो उस समय चीज़ें आपके घर में जो केस हुआ था उसके बाद आपसे तमाम वादे किए गए थे, जो वादे पूरे नहीं, उसको लेकर के क्या कहना? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 3 साल हो गया मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली, जबकि फाइल एक बार नहीं दो दो बार फाइल गई है, फाइल को दबा दिया गया, नौकरी नहीं मिली, हाई कोर्ट से आदेश करवाना पड़ रहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, केस में मेरे सुनवाई नहीं हो रही है, फास्ट ट्रैक में नहीं जा रहा है, तो बताइए हम कहाँ संतुष्ट हैं? कोई अल्टीमेटम देना चाहिए कुछ अपनी तरफ से कुछ? 15 दिन के अंदर योगी सरकार अगर मेरे बेटे को नौकरी और मेरा केस ट्रांसफर वहाँ से लखनऊ करवाया जाए और हमारे बेटे को नौकरी दी जाए, अगर ये नहीं करवाती है तो हम अपने तीनों बच्चों को लेकर के मुख्यमंत्री आवास में जा कर के आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि जीने का अधिकार हम लोगों का नहीं है, पैसे वालों का है, धन वालों का है, सत्ता शासन का है, मुझे जैसे लोगों को जीने का हक नहीं है, तो इसलिए आत्महत्या करके मर जाते हैं, आतंकवादियों के हाथे मरने से तो अच्छा ही है। बिल्कुल, तो आप किरण तिवारी जी को सुना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ जो घटना हुई उसके बाद पुलिस को जो या प्रशासन की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, साथ साथ जो सरकार की तरफ से वादे किए गए तो वादे भी पूरे नहीं हुए। उनका साफ कहना है कि अगर वो वादे अगले 15 दिन के अंदर पूरे नहीं हुए तो अपने पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास पर जाकर के आत्महत्या करने की वो धमकी दे रही। जितेश अवस्थी के साथ विवेक रणवीर।